तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं चटपटी मसालेदार खतरनाक अनबॉक्सिंग लेके। बिल्कुल सही, स्विच अनबॉक्सिंग गाइस, स्विच अनबॉक्स करने वाले हैं फाइनली। बहुत सारे लोग होंगे कि यार कब ले लिया था और कब अनबॉक्स कर रहे, इस मोमेंट का वेट करते हम लोग। तो यस गाइस, स्विच की अनबॉक्सिंग आज देखने को मिलेगी। जिन लोगों को नहीं पता गाइस स्विच क्या है, तो स्विच एक तरह का कॉन्सोल है। जैसे कि आप PS4 में गेम खेल रहे हो, आप अपने एक्सबॉक्स में गेम खेल रहे हो, PS5 में भी खेलोगे अभी आने वाला है। बस फर्क इतना है कि स्विच एक इकलौता हैंडहेल्ड कॉन्सोल है पूरे मार्केट में, जिसने मचा रखा है। मतलब आप इसको कहीं भी ले जाके खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसके साथ, लेकिन कुछ भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। विद ग्राफिक्स एकदम प्रॉपर है, 1080p में खतरनाक ग्राफिक्स इतनी सी स्क्रीन पे भाई साहब, और खतरनाक एक्सक्लूसिव गेम्स इसमें अलग से मिलते हैं। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। तो जैसे कि हेलो दोस्त, क्या हाल चाल? सही है, क्या चल रहा? मैं टेबल की गूंज यहां तक सुनाई दे रही है, काफी ज्यादा बज गई हैं। सॉरी थोड़ा सा बस ये श्लोक भाई, ये आ रखा था ना स्विच, तो मैं सोच रहा था इसकी अनबॉक्सिंग कर लूं। अनबॉक्सिंग दोस्त, ये सब नहीं चल पाएगा इधर। अनबॉक्सिंग का कॉपीराइट हमने ले रखा है, सारे जितना माल मटेरियल है जहां अनबॉक्स हो रहा है सब हमारे पास, इंफॉर्मेशन सब पहुंच जाती है। जहां सील खुलते बंद है, क्या क्या खोल दिया तुमने? अभी तो कुछ नहीं खोला, बस ये श्लोक भाई सोच रहा था कि जरा स्विच आया हुआ था, गेम से रिलेटेड है, मैंने कहा कर देता हूँ, बस ये करने देता यार श्लोक भाई प्लीज यार। दोस्त हम देख रहे हैं अनबॉक्सिंग, तुम कैसे हाई क्वालिटी करे जा रही, वेरी हाई क्वालिटी अनबॉक्सिंग करी जा रही, उसी क्वालिटी को तबाही क्वालिटी में कन्वर्ट कर दो, हम सेम कॉपी पेस्ट मार लेंगे। कॉपी पेस्ट मार लेंगे, चलो ठीक है भाई। पता नहीं श्लोक भाई क्या बोल के गए, बट चलो अनबॉक्सिंग की तरफ को बढ़ते गए। ओके तो गाइस जोक्स साइड आ जाते हैं मेन अनबॉक्सिंग की साइड को, तो चलो इसका अनबॉक्स करते हैं। काफी टाइम से काफी लोग रुके हुए हैं और श्लोक भाई ने बोला है कि इसके एकदम खतरनाक अनबॉक्स है, हाई क्वालिटी देखनी, तो गाइस हाई क्वालिटी अनबॉक्सिंग दिखा देंगे, ठीक है। तो गाइस इसको खोलते हैं एक बार बाहर को। ये देखो, ये मेन चीज सबसे पहले आपको देखने को मिलती है, दो जॉयकॉन्स जैसे कि आप लोग देख रहे हो, नियॉन ब्लू और आपका नियॉन रेड। और यहाँ पर आते हैं तो ये होता है आपका स्विच, लाइक प्रॉपर ये भाई, ये इसका पावर हाउस है। कैन यू बिलीव दिस, लाइक ये देखो, ये इसका पूरा पावर हाउस है, लाइक ये इतना सा इसके अंदर ही ग्राफिक कार्ड है, इसके अंदर ही चिपसेट है जो भी है। और ये देखो, ये इसका एयर वेंट है, ठीक है, ताकि गर्म हो रहा है तो ठंडा होगा। ये इसके वॉल्यूम बटन है, ये इसका पावर बटन है, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। गेम कार्ड यहाँ पर आप लोग अगर गेम कार्ड खरीदते हो फिजिकल, तो वो कर सकते हो, मैं फिजिकल प्रेफर करूँगा, पता नहीं क्यों मज़ा आता है, कलेक्शन जैसा बनता है। तो इसको रखते हैं एक बार साइड में और देखते हैं जॉयकॉन्स की तरफ। भाई जॉयकॉन्स क्या ही सेक्सी है भाई, वर्जन 1 में ग्रे जॉयकॉन्स आते थे और इस वाले में इन लोगों ने नियॉन कलर के, ब्लू नियॉन और रेड नियॉन रेड दे रखा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। ऐसे राइट वाला इज रेड जिसमें प्लस बना हुआ है, और ब्लू वाला इज लाइक माइनस वाला जो लेफ्ट में आता है। तो ये आपका कॉन्सोल पूरा बन जाता है। पहले इसका ऊपर का डब्बा हटाते हैं और देखते हैं आगे को इसमें क्या क्या और भरा हुआ है। तो सबसे पहले इधर को आते हैं, चार्जर है, ठीक है। तो इसका वही नॉर्मल टाइप सी पोर्ट वाला चार्जर है, और फिर ये निंटेंडो की अपनी कुछ HDMI केबल है, तो ये भी कुछ ऐसा कुछ गजब चीज़ तो नहीं है। चार्जर की क्वालिटी थोड़ी सी मतलब समझ लेना मेड इन चाइना टाइप की, मतलब ठीक है, ओके ठीक है, ज़्यादा मजे नहीं लेते इनसे। ये आपका कंट्रोलर बनाता है आपके जॉयकॉन्स को, इसमें भी जॉयकॉन जैसे उस वाले में अटकते थे वैसे सेम में अटकते हैं, और फिर आपका जो ये है कंट्रोलर बन जाएगा। लास्ट चीज़ जो इसके अंदर आपको मिलेगी वो होगा एक डॉक, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो इसमें निंटेंडो स्विच की ब्रांडिंग है प्रॉपर, और यही डॉक आपका मेन जो आप लाइक PC से कनेक्ट करोगे, मतलब मॉनिटर से कनेक्ट करोगे, TV से कनेक्ट करोगे, तो वो होता है ये पीछे से ऐसे खुल जाएगा। और यहाँ पर आपको AC अडैप्टर, मतलब वही चार्जिंग के लिए, अगर आपने डॉक में लगाया तो चार्ज करने के लिए है। फिर आपका USB है और आपका ये है HDMI, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इन रुको, पहले ये प्यार से इसको रख दे साइड में, ओके सॉरी गाइस प्यार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इसके बाद आप आते इधर को, तो ये देखो इसके पीछे से जो होता है, जो मैंने तुम्हें बताया था, ये ऐसे करके खुल जाता है, ठीक है। तो इसमें एक स्टैंड पहले से, और यहीं पर इसी के नीचे छुपा हुआ होता है इसका चार्ज, मतलब वो USB, मतलब USB बोल रहा हूँ, इसका SD कार्ड, तो आप लोग माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो इसमें। ये ऐसे करके स्टैंड जाता है, बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे को बहुत डर लगता है, ये क्वालिटी इतनी गंदी है उस चीज़ की, तो क्वालिटी में मतलब मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा ऐसा देख रहे हो क्या, ऐसा लुप लुप सा है, मतलब ऐसा कुछ भी हो जाता है, तो ऐसा लगता है अभी टूट जाएगा, थोड़ा ज़्यादा जान लगा दो। यहाँ पर इसके वो पावर, मतलब वो हैं स्पीकर्स हैं, तो चलो इसको पावर ऑन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या सामान आ रखा है।
तो काय जैसे तो मैंने चला रखा है पूरा, तो ये जैसे कि देखो ये अभी बोल रहे हैं कि होम बटन दबाओ, ये टच स्क्रीन भी है तो आप लोग ऐसे टच स्क्रीन करके भी खोल सकते हो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लाइक मैंने यूट्यूब डाला हुआ है, जेल्डा और पोकेमॉन शील्ड डाला हुआ है, तो मैंने दो गेम्स मंगाए थे इसके साथ, एक है पोकेमॉन स्वॉर्ड और एक जेल्डा। तो हम लोग जेल्डा डाल के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि पोकेमॉन तो बहुत जल्दी स्ट्रीम्स में आप लोग देखने को मिलेगा। तो देखो सेम है, आपने एसडी कार्ड का ये ओपन किया, ये आपका वो है क्या कहते हैं कार्ड है, और इसको ऐसे क्लिक आने वाली आवाज़ तक का डाला और फिर बंद कर दिया। देखो इसके ग्राफिक्स का अपना खुद का एक मज़ा है, और पूरा 60 FPS प्रॉपर देता है, कहीं पे कोई अटकना नहीं, लैग लूग नहीं, एकदम मस्त ऐसा। मतलब मेरे को अभी तक तो मैंने इतना घंटे खेले, कम से कम नहीं भी तो 10 घंटे तो इसको मैंने खेल लिया होगा, और मेरे को कहीं पर भी कोई भी ऐसा लैग वैग वाला सीन नहीं आता एक बार भी। और सारे के सारे जो बटन्स है सब कुछ है वो एकदम प्रॉपर एकदम परफेक्ट वे में काम करते हैं, तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है यार। काफ़ी खेल दिया मैंने जेल्डा, इसको हम लोग स्ट्रीम में भी कभी खेलेंगे, आप लोग बताना मेरे को कमेंट्स में अगर आप लोग जेल्डा या पोकेमॉन का गेम प्ले देखना चाहते तो इसकी स्ट्रीम्स भी करेंगे, क्योंकि एलगार्ड तो मैंने ले लिया है इसके लिए, बस मैं तुम लोगों के कंफर्मेशन प्ले रुका हूँ। तो ये जॉयकॉन्स हैं, उसके बाद आप इसमें देखो जो मैंने बोला था तुम्हें, मैं पहले ग्रिप का दिखा देता हूँ। तो देखो ग्रिप का ये सीन है, देखो ये किया, ठीक है, आपको एक बार याद करना बस लेफ्ट राइट कौन सा होता है, फिर तो आपके हाथ खुद ही चलने लग जाते हैं। तो ये देखो कितना क्यूट लग रहा है, राइट, बट द ग्रिप इज़ नॉट दैट गुड। जो मैंने पकड़ा हुआ है, मैं ऐसे कंट्रोलर नहीं पकड़ता हूँ भाई, प्रॉपर कंट्रोलर कैसा होता है, थोड़ा फैला हुआ सा होता है, थोड़ा सा ऐसे आप ऐसे ऐसे पकड़ते हो, हाथ पूरा आपका आराम से आता है। इसमें थोड़ा सा मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा पकड़ने में, ठीक है, दिखने का हद क्यूट है यार, ये हद क्यूट है बाय गॉड, अलग मजाक से हटके, लेकिन वो समझ लो वो मज़ा नहीं आ रहा है वो पकड़ने में, लेकिन हाँ खेलने में खूब मज़ा आ गया। जैसे कि ये देख लो, अब मैं प्रॉपरली ऐसे खेल सकता हूँ, ठीक है। और एक और चीज़, जैसे कि ये कंट्रोलर अगर बाई चांस मैं इससे भी निकाल देता हूँ, अगर मैं इस जॉयकॉन से भी इन कंट्रोलर्स को निकाल देता हूँ तो भी मैं इनको चला सकता हूँ, ऐसा नहीं कि इसकी ज़रूरत है। ये देखो दे वर्क एवरीवेयर भाई, अलग ही मज़ा है भाई, मतलब लिटरली आप लोग एक होटल में रुकने गए हो, कहीं पे दूर गए हो, दोस्तों से मिलने गए हो, लेकिन आपको गेम खेलने की आदत है भाई, मज़ा आता है, फुल फन है। तो यार ग्राइंड वाले गेम भी आप लोग आराम से कहीं भी जाके खेल सकते हो, सबसे बेस्ट पार्ट वही है यार इसका। और अगर होटल में टीवी भी मिल गया तो टीवी में कनेक्ट करके बड़ी स्क्रीन पे खेल लो, कोई सीन नहीं है। उसके बाद मैं तुम लोग को एक और बार ये चीज़ भी दिखा देता हूँ जो कि मैंने बोला था। तो देखो गाइस जैसे ये है, ठीक है, इसका थोड़ा सा सीन होता है, ये आपको बहुत ध्यान से करना होता है गाइस। देखो जैसे कि आपने ये लगाया, ये लग चुका है, देखो आवाज़ आ चुकी है, तो ये बन चुका आपका हाथ में जो पकड़ने वाला कंट्रोलर है, ठीक है, तो ये वो बन चुका आपका, आपने इसको टाइट कर लिया ताकि ये गिरे ना आपके हाथ से, ठीक है, ये लो, ठीक है। तो अभी कंट्रोलर आपके हाथ में आ चुका है, ठीक है, और आप इसको आराम से देखो चला सकते हो, ठीक है, और ये आपके हाथ से भी नहीं गिरेगा। लेकिन मैं ऐसे भी गलती से छोड़ दूं मैं इसको तो ये मेरे हाथ से नहीं निकल रहा है, देख लो, ओके, ठीक है, ज़्यादा ही ताकत दिखा दे रहा हूँ मैं अपनी। बाकी फिर वापस आप अपने स्विच में इसको लगाओ, प्लस वाला राइट में, माइनस वाला लेफ्ट में, और इसको हाथ पर उठा लो और फिर से वही अपना बेसिक नॉर्मल खेलना स्टार्ट कर सकते हो। तो 1080p में भी आप खेल रहे हो तो छोटा सा डिवाइस है यार, क्या मज़ा आता है यार, PC में लगा लो, मतलब मॉनिटर वॉन्टर में लगा लो, बड़े बड़े, फुल मौज है, ठीक है। तो यस अभी के लिए तो ये सब हो गया, अब मैं आपको ले चलता हूँ इसको मॉनिटर पे दिखाने के लिए डॉक के साथ, तो चलो वहाँ पर चलते हैं। ओके, तो गाइज लास्ट चीज़ जो हम इसके बारे में बात करने वाले स्विच कंसोल के बारे में, वो है ये कि जो इसका डॉक होता है उसको आप यूज़ कैसे करोगे। लाइक आपको पता है डॉक या तो फिर आप अपने टीवी में या फिर किसी मॉनिटर में कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर दो, बट इस डॉक को आप यूज़ कैसे करोगे इन शॉर्ट, तो वो देखते हैं, ठीक है। और बाय द वे आप इससे अगर आपके एल्गार्टो एंड एवरीथिंग, तो आप इससे इसी की मदद से आप लाइक अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करके भी डाल सकते, लाइक इफ़ यू वांट टू बी अ लाइक ट्विच स्ट्रीमर या फिर आप स्ट्रीमर बनना चाहते हो यूट्यूब पे या फिर इन जनरल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, आपको अपना स्विच लेना है, आपको अपने स्विच को इसमें प्रॉपर एकदम ढंग से रखना है। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है क्या गाइस कि जो ये डॉक है, डॉक के जब मैंने ऐसे लगाया ना तो वहाँ पर एक प्लास्टिक का एरिया है थोड़ा अंदर को, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हर बार स्क्रैच कर देता है आपके स्विच को, इसीलिए मैंने पहले से ही इसमें एक शीट लगा के, आप लोग देख सकते हो ये इसका टेम्पर ग्लास है। उसके बाद आपको क्या करना है, बस अपने ये कंट्रोलर्स को निकाल देना है, जॉयकॉन्स को, ठीक है। उसके बाद आपको इसको ऑन कर लेना है, स्विच ऑन होना चाहिए आपको उस टाइम पे। तो अब आपको क्या करना है, पीछे की तरफ को आना है, पहले आपको चार्जर लगाना है, ठीक है, क्योंकि डॉक में लगाते टाइम आपको चार्जर लगाना होगा ताकि डॉक में भी पावर आए। तो आप AC अडैप्टर वाले में इसका चार्जर कनेक्ट कर दोगे। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या होगी, जैसे मैंने इस मॉनिटर को बंद कर रखा है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो इस मॉनिटर का जो आउटपुट है वो यहाँ पर है। इसके साथ आपको खुद भी केबल मिलती है, लेकिन मैं अपने मॉनिटर की केबल यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज लाइक थोड़ा काम बच रहा है। अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, ये बंद हुआ, ठीक है, ये आपने रख दिया साइड में, इसको कनेक्ट करके आपने रख दिया एकदम साइड में, आपका कंट्रोलर ऑन है।
सबसे बढ़िया बात कि जिसमें आपने इसको डॉक पे लगा रखा है, ये चार्ज भी हो रहा है गाइस उसी के साथ साथ, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आ जाओ मैं आपको दूसरे एरिया से दिखाता हूँ। ओके, तो गाइस देखो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा इस वाले स्क्रीन में, देखो हम लोगों ने अपना जो स्विच है वो कनेक्ट कर दिया है, प्लस जो ऑडियो वो भी मेरे मॉनिटर से आ रही है प्रॉपर एकदम। तो सीधे स्टार्ट कर देते हैं, गेम खुल रहा है प्रॉपर एकदम दिख रहा है तुम्हें। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास बाय चांस बहुत बड़ी टीवी है, लाइक 43 इंच का भी टीवी है ना, तब भी तुम लोग इसको प्रॉपरली यूज कर सकते हो एकदम। कुछ ऐसा बहुत पिक्सल डेयरिंग ऐसा कुछ नहीं होता, देखो इतना बड़ा मॉनिटर है, 27 इंच का मॉनिटर है, बट फिर भी आप लोग जैसे देख रहे हो एकदम प्रॉपर दिख रहा है गाइस। ओके, तो एज यू कैन सी गाइस, गाइस द ग्राफिक यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, मजाक से हटके इस गेम के अपने ही खुद के लाइक अपना ही एक मजा है यार गाइस। एक बार ग्राफिक्स को देखो, क्या ही प्यारे लग रहे हैं यार, और इतनी बड़ी स्क्रीन में भी, इतने छोटे से कॉन्सोल के इतनी बड़ी स्क्रीन में भी एक हल्का सा भी ग्राफिक टियरिंग आपको नहीं दिखेगा, और ना ही आपको लाइक लैग फील होगा कि हाँ यार थोड़ा डीले आ रहा है या ऐसा कुछ है। मेरे को तो टू बी ऑनेस्ट विद यू बिल्कुल भी थोड़ा भी लैग वैग ऐसा कुछ फील नहीं होता। ओके, तो गाइस आप लोगों ने वहां पर भी देख लिया कि मॉनिटर वॉनिटर में कैसा चल रहा है सब कुछ। तो मैंने इसके लिए अमेजोन बेसिक्स का ये डब्बा लिया हुआ है, जिसके अंदर आपको पूरी पूरी जगह मिल जाती है। देखो जैसे कि ये है, ये कंट्रोल आपके यहाँ पर आ गया, ठीक है, और उसके बाद ये जो जॉयकॉन है ये आपने यहाँ डाल लिया, ठीक है। आपका जो चार्जर है, चार्जर को आप ढंग से ऐसे रोल करो, ठीक है, चार्जर को अपने ढंग से रोल कर लो, और चार्जर को किसी भी एक कोने में आप लगा सकते हो, कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो मैं इस कोने में इसको डाल देता हूँ, बड़े प्यार से तो नहीं आएगा लेकिन ठीक है, आ जाएगा। आपका डॉक है, वो डॉक आप सेंटर में रख सकते हो आराम से, और बाकी फिर अगर आपको अपनी HDMI केबल रखनी है तो आप अपनी HDMI केबल को यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड पे डाल सकते हो, एंड देयर यू गो, आपका पूरा जो पूरा का पूरा कंट्रोलर था जो पूरा पूरा वो है, तो आपका एक छोटे से डब्बे में आ चुका है। तो वो डब्बा जो है वो एक हार्ड केस है, ऐसा नहीं लुप लुप सा है, कहीं भी टकराएगा टूट जाएगा, तो एक हार्ड केस हो गया। अब आप इसको लेके कहीं पर भी चल सकते हो, कोई सीन नहीं है, देखो गाइस। तो ये चीज़ सबसे बेस्ट चीज़ है इस वाले बॉक्स की, मैं तो सबको बोलूँगा जो भी स्विच ले रहे हैं वो जरूर लें। स्विच और इसका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप बाय करोगे तो थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट होगा उस चीज़ से। तो यस, गेम्स को तुमको थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा कि आपको अपने बैग्स में रखने पड़ेंगे, और मैं बोलूँगा कि गेम के लिए भी तुम एक छोटी सी CD वाला क्लिप वाला रख सकते हो, कि इतने बड़े बड़े गेम आप कहाँ ऐसे कैसे ले जाओगे। तो ये चीज़ है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगेगी, मैं थोड़ा सीरियस भी अनबॉक्सिंग करी ताकि जो लोग असलियत में उस चीज़ को देखना चाहते हैं उन लोगों को अच्छे से दिखे। तो यस, सीरियस अनबॉक्सिंग भी थी और थोड़ी सी मस्ती भी करी श्लोक भाई के साथ, और मैं मजाक भी करूँगा। ही इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट गाइज यार, इतने बड़े होके 5 बिलियन के आसपास का चैनल, और इतने प्यारे बंदे, उन्होंने यार अपने बर्थडे की रात को पता है मेरे साथ 1 बजे के आसपास ये वीडियो शूट करी है जो आज तुम लोगों ने देखी है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस गाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। एक और बार आउटरो के लिए बुला लेते हैं फिर श्लोक भाई को। अंशु ने कॉल करा था काफी मस्ती ऐसे, हमने सोचा कि मस्त ऐसा करते हैं साथ में, मजा आएगा। यार क्वारंटाइन में ऐसे करना पड़ता है, बढ़िया मजा आता है। एक काफी मजेदार सी कॉन्वर्सेशन, कुछ नया से ट्राई करो, होपफुली आप लोगों को मजा आएगा। और अंशु काफी ज्यादा एक्टिंग में भी बहुत ज्यादा टैलेंट है, सारी स्क्रिप्टिंग हमारी भी इन्हीं भाई साहब ने करी है, काफी मजेदार सी भाई। पक्की बात सब्सक्राइब कर लो गेमर फीड को, बहुत ज्यादा मजा आएगा, मस्त कॉन्टेंट बनाता है गेमिंग के साथ, काफी मस्त मस्त अनबॉक्सिंग तुम्हारा भाई करता है, हमको भी थोड़ा सा प्यार दिखा देना। भाई इतना था इस वाले वीडियो के लिए, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सारी चीजें, बाय बाय।